अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जो पुराने हैं उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। तो यहाँ पर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो ये एक फ्लोटिंग सोप होल्डर है जो कि हमने यहाँ पे परचेज़ किया। मैंने सोचा आप लोग के साथ पते की चीज़ है। तो अगर आप लोग का वॉशरूम जो है वो स्पेशियस नहीं है, तो आप लोग छोटे वॉशरूम के लिए इस तरह से फ्लोटिंग चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। करामत भी होती हैं और अच्छी भी होती है। मॉर्निंग का टाइम है, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं बनाने लगी हूँ बल वाले पराठे, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं बनाना जो है वो आप लोग के साथ इस तरह से शेयर किया करूं, ताकि साथ साथ में मुझे जो है ना वो लर्निंग होती रहे। सो क्योंकि मैं न्यू हूँ, आटा वगैरह गूंदना भी सही से नहीं आता, लेकिन मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मदद करने वाला है। और यहाँ पे मैंने कोशिश कर करके इतने मज़े के गोल पराठे बल वाले बनाए, और कोशिश कर करके तवे के ऊपर रख के ना इसको मैंने इसके एजेस जो हैं वो राउंड करने की कोशिश की, लेकिन बहुत यमी और बहुत टेस्टी बने थे। सो यहाँ पर बस मैं अभी मॉर्निंग का नाश्ता जो है वो जल्दी जल्दी से रेडी करती हूँ। अच्छा जी, तो आज ग्रॉसरी का दिन था और सब्जियां वगैरह आ गई घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कच्चे आम जो है मेरे फेवरेट है, मैं ले आई अपने लिए। और किस किस को कच्चे आम खाना पसंद है बताइएगा। अच्छा जी, लंच हम लोगों ने स्किप किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे जन्नत की फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, और साथ में सोचा कि अपने लिए भी आज चिकन फिले और साथ में कोई स्पेगेटी वगैरह या फिर नूडल्स वगैरह बना लेते हैं। नूडल्स नहीं, लेकिन चले मैक्रोनी वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चिकन फिले फ्राई कर लेते हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जन्नत के जो है फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं, चिकन फिले जो है वो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए, और इनके जो है ना पाक फूड्स के चिकन फिले बहुत मज़े के होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैक्रोनी बना लेती हूँ, और आसान तरीके से गार्लिक फ्राई किया, साथ में ऑनियन फ्राई की, और थोड़े से मैंने यहाँ पे मैक्रोनी फ्राई किया, उसको मैं इसमें फ्राई करूँगी, और साथ में थोड़ी सी कुटी काली मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा नमक है, एक चिकन क्यूब डालूंगी, और साथ में ये टोमेटो पेस्ट है। आप लोग अगर टोमेटो पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप लोग कुछ और भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसमें चाइनीज़ सॉसेज ऐड कर रही हूँ, तीन है जाहिर सी बात है, जो कि रेगुलर यूज़ होते हैं। सोया सॉस है, चिली सॉस है, और सिरका है। सो बस यहाँ पे मैं हर एक बंदे के लिए प्लेट्स जो है वो रेडी कर रही हूँ, और बस मैक्रोनी बनाई है मैंने, और साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ है, और ऊपर से मैंने ये चिकन फिले रखे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी जो है ना इसका टेस्ट आता है साथ में, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस शाम को हम लोगों ने थोड़ा सा ये इन्जॉय किया, और पार्टी टाइप होगी हमारी, और फिर अभी जो है ना साथ में आप लोगों के साथ थोड़ी सी जूली शेयर कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो बस ये मैंने ग्रीन कलर के झुमके और ये चीज़ें परचेज़ करी थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सो आज मैं मेन जो चीज़ बना रही हूँ, मेन जो रेसिपी है हमारी, वो करेला फ्राई करेलास बना रही हूँ। दही मैंने निकाली है और लस्सी के लिए, और साथ में चले फिर बनाना शुरू करते हैं। और करेले मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑयल में इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। मैं इसको पहले नमक डाल के, सिर्फ नमक डालूंगी, और अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी फ्राई फ्राई और फ्राई, तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन हो जाए। सख्त नहीं होने देना, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से जब इसकी शक्ल आ जाएगी तो बस छोड़ देना। नमक थोड़ा सा मैंने और डाला क्योंकि कम हो गया था, कुटी लाल मिर्च डाली है साथ में, और इस तरह से साबुत धनिया डालूंगी, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, और यहाँ पर ये करेले हो गए हैं रेडी। और आई एम श्योर कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, रेसिपी आप लोगों ने इंजॉय की होगी। सब्सक्राइब इसी तरह से करते रहें, सपोर्ट करते रहें, दुआ में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।